सभी को नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे जय। ओके, आज जय का जन्मदिन है, सो जय को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, डीआई कब शुरू होगा? बस आपका बैच खत्म हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट डीआई शुरू करना है यार। आपका आज क्लास में अगर हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो एक क्लास और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की करके और एक एक्स्ट्रा क्लास जो बढ़िया वो करके फिर फिनिश करेंगे, फिर नया चैप्टर शुरू कर देंगे, नया कोर्स शुरू कर देंगे। पहले पुराना तो अच्छे से फिनिश करें, आगे दौड़ पीछे छोड़ थोड़ी करना है। बताओ बताओ, करना है तो बताओ, कर देता हूँ मैं। सर डीआई बेसिक से होगा? बिल्कुल। तो केस स्टडी स्टार्ट करो। किसकी केस स्टडी स्टार्ट करें? स्टूडेंट्स की केस स्टडी स्टार्ट करें या सही में मर्डर केसेस की केस स्टडी स्टार्ट करें या सक्सेस की केस स्टडी स्टार्ट करें, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की केस स्टडी स्टार्ट करें? सर आपकी इतनी एनर्जी कहां से आती है? ओ, दिस वाटर इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। हमें भी दे दो पानी, तो तुम्हारे घर में भी है पानी, है ये और कुछ नहीं है, कुछ और मत सोचना, इट्स प्योर वाटर। सर कल एक वीडियो ने परेशान कर दिया, सर तुम मत देखा करो ना, फिर समय तुम्हारे पास ज्यादा है, इरेलेवेंट वीडियोस देखने का समय तुम्हारे पास ज्यादा है। नेगेटिविटी कैसे रिमूव करें? नेगेटिविटी कैसे रिमूव करें? नेगेटिविटी ऐसे करके, ऐसे करके। उस तरफ देखो ही मत। सर आपकी वजह से जीरो मैगजीन के लिए तो पेन की भी जरूरत नहीं पड़ रही। हाँ जी जतिन, इसीलिए दी है मैंने, रिवीजन हो जाएगी बहुत बढ़िया वाली और अच्छी क्वालिटी से बूस्ट अप हो जाएंगी अलग से। सर SICI में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, अभी तो बाकी है, इतनी जल्दी नहीं करते हो तो अभी तो बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलो आरंभ करते हैं, आरंभ करते हैं। देखो जनाब, समझो ध्यान से, हमको कुछ चीजें समझनी है, थोड़ा बेसिक से उस चीज को उसके उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज, आपको मान लो मैं एक सिचुएशन देता हूँ, एक सिचुएशन देता हूँ जिसके अंदर हम 20,000 रुपए की बात कर रहे हैं और वहां पे हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 10% का दे रहे हैं और बात जो है 3 सालों की हो रही है। अगर मैं इस 20,000 की रिप्रेजेंटेशन दो सिचुएशंस में करूं, दो सिचुएशंस में करूं अगर मैं इस 20,000 की रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे चलेगा? देखो एक तरफ हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, एक तरफ हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है? दोनों की बात करेंगे। 20,000
सिंपल इंटरेस्ट आना है, 3 सालों में कितना कितना आएगा? पहले साल 10%, 20,000 का 10%, 2,000 रुपये। अगले साल फिर 20,000 का 10% ही आएगा, फिर अगले साल फिर 20,000 का 10%, 2,000 रुपये। तो कुल मिला के 6,000 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा, ये बात हम कह सकते हैं जब ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर यही बात मैं कंपाउंड की करूं, यही बात अगर मैं कंपाउंड की करूं तो क्या सिचुएशन होगी, ध्यान से समझना। तीन अलग अलग केसेस हैं जिनकी हम बात करेंगे। पहले साल 10% इंटरेस्ट आएगा, प्रिंसिपल का 10%, यानी कि 20,000 का 10%, यानी कि 2,000 का इंटरेस्ट आएगा। दूसरे साल फिर प्रिंसिपल का 10%, यानी कि 2,000 का इंटरेस्ट आएगा, 20% का 20,000 का 10%। उसके साथ ही इस 2,000 पे इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट आएगा, इस 2,000 का भी 10% इंटरेस्ट आएगा, 2,000 का भी 10% इंटरेस्ट आएगा, तो 2,000 का 10% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगले साल की बात की जाए तो इस 20,000 का 10%, यानी कि 2,000 आएगा। इस 2,000 का 10%, यानी कि 200 आएगा। इस वाले 2,000 का 10%, यानी कि 200 आएगा। इस वाले 200 का 10%, यानी कि 20 आएगा। तो ये हिसाब होता है। आपको मैंने जो बताया था वो ऐसे कंबाइंड फॉर्मेट में बताया हुआ है, जैसे 20,000 का 10% 2,000 आया, अब वो 2,000 हमने पे नहीं किया, 22,000 रुपए बन गए, 22,000 का 10% 2,200 आएगा। देखो ये 2,200 ही है, अब 2,200 और हमने नहीं दिए, तो 22,000 थे और 2,200 और जुड़ गए, तो 24,200 हो गए, तो 10% 2,420 रुपए आएगा। यहाँ देखो इनका सम करोगे तो 2,420 ही आ रहा है। देखो तो बात वही है, पर इसका रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। कैसे, दोबारा देख लो, 20,000 का 10% 2,000 आएगा। अब अगले साल जब दूसरा साल आएगा तो इस 20,000 पे 10% तो आएगा ही आएगा 2,000, इससे पहले वाले इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा, 2,000 का भी 10%, यानी कि 200 का इंटरेस्ट आएगा। अगर बात करें तीसरे साल की, तो 20,000 का 10%, यानी कि 2,000 तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा इस 2,000 का 10% 200, इस 2,000 का 10% 200 और इस 200 का 10% 20, ये भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, बढ़िया। कोई मुझे बोले कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालो, तो देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आएगा सिंपल इंटरेस्ट से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट जब घटाओगे तो आप सब जानते हो 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, ये कट जाएगा, बच क्या जाएगा, 200 + 200 + 200, 620 रुपए। कितना बच जाएगा, 620 रुपए बच जाएगा। ये आएगा CI - SI, ये कॉमन सेंस वाला एक रिप्रेजेंटेशन था। एक और सिचुएशन की बात कर लेते हैं। मान लो हम बात करें 5,120 रुपए की, 5,120 रुपए की बात करें, ध्यान से सुनना है, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बात हो रही है 3 सालों की। अगर मैं इसका भी रिप्रेजेंटेशन आपको सेम टू सेम करके दिखाऊं, बिल्कुल सेम टू सेम, SI अलग, CI अलग, ठीक है, तो क्या चलेगा, क्या चलेगा फिर उसके अंदर, तो रिप्रेजेंटेशन समझेंगे सभी के सभी स्टूडेंट ध्यान से। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, 1/8, तो 1/8 का इंटरेस्ट यहां पे आएगा, 1/8 का इंटरेस्ट यहां पे आएगा और 1/8 का इंटरेस्ट यहां पे आएगा। 5,120 का 1/8, यानी कि 640 का इंटरेस्ट आ रहा है, 5,120 का 1/8, यानी कि 640 का इंटरेस्ट आ रहा है, 5,120 का 1/8, यानी कि 640 का इंटरेस्ट आ रहा है, 640, 640, 640, ठीक है, 640, 640, 640 का इंटरेस्ट आ रहा है। भाई हमें देख लिया, ये समझ लिया, ठीक है। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में क्या चलेगा, सिंपल तरीके से अगर आप देखते हो, समझते हो, समझना ध्यान से बहुत ज्यादा अच्छे फोकस के साथ, तो 5,120 का 1/8, यानी कि 640 का इंटरेस्ट यहां पे आएगा अगले साल। ये तो पहले साल की बात हो गई, ठीक है, ये तो पहले साल की बात हो गई। अगर हम बात करें दूसरे साल की, तो 5,120 का 1/8, 640 यहां पे आया,
प्लस इस 640 का 1/8 भी तो आएगा, इस 640 का 1/8 यानी कि 80 आया यहाँ पे इंटरेस्ट। तीसरे साल की बात करें तो 5120 का 1/8, 640 आया यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ ही इस वाले 640 का 1/8 यानी कि 80 इधर आएगा, इस 640 का 1/8 80 इधर आएगा, इस 80 का 1/8 यानी कि 10 इधर आएगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपसे कोई पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा दो, तो क्या करोगे? देखो ये घट जाएगा, बचेगा क्या? 80 × 80 × 80 यानी कि 240 + 10 ₹250, ₹250 यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया डिफरेंस, ठीक है। अब बात आती है सर यही करते रहेंगे हर बार? नहीं, हमको एक अलग अप्रोच सीखना है और वो हमारे बहुत काम का अप्रोच है, आना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट है जो आना चाहिए और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ट्री मेथड, जो इसी में से निकल के आया, ट्री मेथड जो इसी में से निकल के आया। तो सबका फोकस बना हुआ होना चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से समझना है सबने, एकदम बढ़िया अंदाज से। ट्री मेथड में क्या होता है, हमको रेट परसेंटेज दिया है, जो भी रेट परसेंटेज दिया है उसकी एक फ्रैक्शन होगी, मान लो फ्रैक्शन 1/a है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं और टाइम क्या भी जिक्र है, मान लो टाइम जो है वो टी ईयर्स है, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं बच्चों, हम प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं। क्या होता है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल होता है a की पावर t हम एज्यूम करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, मान लो 12.5% रेट हुआ और 3 सालों की बात हुई, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 12.5% माने 1/8, तो 1/8 को जब आप इक्वेट करोगे 1/a के साथ तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। तो इसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका प्रिंसिपल क्या है, एज्यूम करोगे आप, एज्यूम होगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। एज्यूम क्यों करेंगे, भी सीखेंगे, पहले भी देखो एज्यूम करके आएगा क्या, एज्यूम करके आएगा 8 का क्यूब यानी कि 512, 512 यूनिट हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। ऐसी बात है, मान लो आता है 11.11% रेट आता है और 2 सालों की बात होती है, तो उस हिसाब से क्या देखोगे, 11.11% यानी कि 1/9, 1/9 की वैल्यू आई 1/a, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, a की वैल्यू 9 आ गई, तो प्रिंसिपल क्या आया, 9 की पावर टाइम यानी कि 9 की पावर टाइम मतलब 9 स्क्वायर मतलब 81 यूनिट्स, ये आ गई वैल्यू। बहुत सही है यार, बहुत बढ़िया। ये 2-3 चीजें, अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर अगर रेट हुआ 37.5%, टाइम हुआ फॉर एग्जाम्पल 2 साल, तो क्या मानोगे? तो उस हिसाब से देखोगे तो 37.5% मतलब 3/8, 3/8 इज इक्वल टू 1/a हमने कर देना, 3/8 इज इक्वल टू 1/a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/3। तो अगर आपने प्रिंसिपल एज्यूम करना है तो वो क्या होगा, 8/3 का पावर 2, तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 64/9 यूनिट्स, 64/9 यूनिट, ये आ जाएगी प्रिंसिपल की वैल्यू। पर हम मान क्यों रहे हैं ये तो बताओ, अभी बताता हूँ, रुको तो सही, जल्दबाजी क्यों करनी है, बहुत कुछ है इसमें करने को, ठीक है। चलो हम इसमें 2 केसेस सीखेंगे, एक जिसमें टाइम 3 साल हो, एक जिसमें टाइम 2 साल हो, 99% क्वेश्चन इन्हीं 2 में सेटल हो जाते हैं और इससे आप समझ भी पाओगे कि टाइम 4 साल होगा तो क्या करेंगे, बाकी जरूरत नहीं पड़ती टाइम 4 साल की, मुझे ही नहीं पड़ी आज तक कभी। तो 2 सिचुएशन सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे टाइम 3 साल हो तो क्या सिचुएशन बनेगी, टाइम अगर 3 साल हो तो। बच्चों सुनना ध्यान से यार, जो भी रेट परसेंट उसने दिया होगा उसकी फ्रैक्शन आएगी 1/a, You will get a value of a accordingly, और उसी हिसाब से आप प्रिंसिपल मान लोगे, क्या मान लोगे,
क्या प्रिंसिपल एज्यूम कर लोगे बच्चों? लेट प्रिंसिपल बी ए की पावर टाइम यानी कि 3, तो आपका प्रिंसिपल जो हो गया वो हो गया ए क्यूब। क्या हो गया बच्चों प्रिंसिपल? ए क्यूब। हमने दो अलग अलग सिचुएशंस की बात करनी है। एक बात करनी है सिंपल इंटरेस्ट की, एक बात करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इस हिसाब से हमारा प्रिंसिपल क्या है? हमारा प्रिंसिपल है ए क्यूब। हमारा प्रिंसिपल क्या है? हमारा प्रिंसिपल है ए क्यूब। सुनना यार, फोकस के साथ सुनना। प्रिंसिपल है ए क्यूब। तो दो अलग अलग सिचुएशंस की अगर आप देखोगे, देखो इंटरेस्ट कितना आएगा, अगर आर परसेंट की वैल्यू 1/a है तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? आर परसेंट की वैल्यू अगर 1/a है तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? पहले साल ए क्यूब का 1/a यानी कि ए स्क्वायर का इंटरेस्ट आ गया, दूसरे साल ए क्यूब का 1/a यानी कि ए स्क्वायर का इंटरेस्ट आ गया, तीसरे साल ए क्यूब का 1/a यानी कि ए स्क्वायर का इंटरेस्ट आ गया। तो पहले साल ए स्क्वायर का इंटरेस्ट, दूसरे साल ए स्क्वायर का इंटरेस्ट, तीसरे साल ए स्क्वायर का इंटरेस्ट। तो पहले साल ए स्क्वायर, दूसरे साल ए स्क्वायर, तीसरे साल ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चल रहा है। अगर कंपाउंड की बात करें तो इंटरेस्ट तो 1/a ही आएगा इधर भी। 1/a क्यों कर रहा हूं बच्चों में? क्योंकि आर परसेंट की फ्रैक्शन 1/a है, तो ए क्यूब का 1/a कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? ए स्क्वायर पहले साल, दूसरे साल इस ए क्यूब का 1/a यानी कि इंटरेस्ट आ जाएगा ए स्क्वायर। इसके साथ ही पहले साल के इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट आएगा, तो इस ए स्क्वायर का भी 1/a यानी कि ए का इंटरेस्ट आ गया। बढ़िया, तीसरे साल की बात करें तो ए स्क्वायर का 1/a, ए क्यूब का 1/a यानी कि ए स्क्वायर का इंटरेस्ट, ए स्क्वायर का, हमने देखो ए क्यूब का 1/a ले लिया, ए स्क्वायर आ गया। पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ए स्क्वायर का 1/a, ए का इंटरेस्ट आ गया। इस वाले ए स्क्वायर का 1/a यानी कि ए का इंटरेस्ट आ गया। इस ए का 1/a यानी कि 1 यूनिट्स का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो आप नोटिस करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करोगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? ए प्लस ए प्लस ए प्लस वन, थ्री ए प्लस वन, थ्री ए प्लस वन, थ्री ए प्लस वन। ठीक है, तो सी आई माइनस एस आई क्या आ जाएगा? थ्री ए प्लस वन। तो बच्चों क्या निकल के आया है? निकल के ये आया है कि भैया अगर आर परसेंट की वैल्यू है 1/a, टाइम है 3 साल, तो उस समय हम प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे, अगर अगर प्रिंसिपल की वैल्यू हम एज्यूम करेंगे a की पावर 3, तो उस केस में सी आई माइनस एस आई आएगा 3a प्लस 1। कई बच्चे इसमें पता क्या करते हैं, इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। बच्चे कहते हैं सर अगर टाइम 4 साल हुआ तो हम सी आई माइनस एस आई 2a+1 ले लें, सॉरी 4a+1 ले लें। अगर टाइम 2 साल हुआ तो हम सी आई माइनस एस आई 2a+1 ले लें। नो नो, क्लियर नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसी में लगेगा ये 3 साल में, ऐसा 2 साल का एक अलग केस बनेगा, वो मैं आपको भी बताता हूँ क्या केस बनेगा। ठीक है, बड़ी बड़ी काम की चीज है, अभी आप देखोगे कितना काम आएगी ये चीज, अभी आप देखना। ठीक है, ये हुआ। अब मान लो सिमिलरली हम बात करें 2 सालों की, 2 इयर्स की अगर हम बात करें सिमिलरली, आर परसेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 1/a। आर परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1/a। तो उस हिसाब से लेट प्रिंसिपल भी ए की पावर टाइम यानी कि ए स्क्वायर, प्रिंसिपल इतना आ जाएगा। 2 सालों की बात करें बच्चों हम, 2 सालों की, फोकस पूरा पीक पे, फोकस पूरा पीक पे होना चाहिए। अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है अपना? ए स्क्वायर।
कितना प्रिंसिपल है बच्चों? ए स्क्वायर। ये आपका प्रिंसिपल है ए स्क्वायर। हमने 2 सालों की बात करनी है। कितने सालों की बात करनी है? 2 सालों की बात करनी है। इंटरेस्ट कितना आ रहा है? आर स्क्वायर, आर परसेंट की वैल्यू 1/a, 1/a का इंटरेस्ट आ रहा है। ए स्क्वायर का 1/a कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर का 1/a कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो पहले साल ए का इंटरेस्ट, दूसरे साल ए का इंटरेस्ट, ठीक है, बढ़िया। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखोगे ए स्क्वायर का 1/a, पहले साल कितना इंटरेस्ट आ गया? ए का इंटरेस्ट आ गया। दूसरे साल ए स्क्वायर का 1/a, यानी कि ए का इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके साथ ही इस वाले ए का 1/a, पहले साल के इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट आएगा, यानी कि ए का 1/a कितना आएगा? 1 यूनिट, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ऐसा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ए प्लस ए प्लस वन। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ए प्लस ए प्लस वन। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? ए प्लस ए। तो अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाओगे तो ए ए से ए ए कट जाएगा, 1 यूनिट वैल्यू आ जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा केस नंबर 2 बन गया। केस नंबर 2 क्या बन गया? केस नंबर 2 ये है कि आर परसेंट की वैल्यू अगर, आर परसेंट की वैल्यू अगर 1/a है, टाइम अगर 2 साल है, तो हम प्रिंसिपल क्या एज्यूम करेंगे? उस हिसाब से हम प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे a की पावर 2 और ci माइनस si क्या आ जाएगा? 1 यूनिट। ये भी हमने निकाला है, ठीक है। इसका डायरेक्ट यूज है, डायरेक्ट काम किया जाता है इसके ऊपर, और अभी हम डायरेक्ट काम करके भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। आप सभी के सभी स्टूडेंट ध्यान से बिल्कुल पूरे फोकस के साथ मुझे करने दो पहले ये सवाल, फिर आप करके दिखाना। आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% है। 8% की फ्रैक्शन कौन बताएगा मेरे को? 4% का डबल, 1/25 का डबल, यानी कि 4/25। तो ये 4/25 को अगर मैं ए से इक्वेट कर दूं बच्चों, 1/a से, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी? 25/4। कितने सालों की बात कर रहे हैं? 2 सालों की बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्या अज्यूम करोगे आप? ए का स्क्वायर। तो 25/4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 625/16 यूनिट्स। और सीआई माइनस एसआई क्या आ जाएगा? 1 यूनिट। बट हम तो देख रहे हैं प्रिंसिपल की वैल्यू तो 5000 दी हुई है, सो दिस इज इक्वल टू 5000। बढ़िया। तो आपने देखा अगर ऐसा है तो आप ये, इसका कितने गुना आ गया? 8 गुना आ गया, ठीक है। इसका कितने गुना आ गया? 8 गुना आ गया। तो यहां से हम प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसी हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर से आ गई, यहाँ पे काटा तो 8 यूनिट वैल्यू, ठीक है, 80 यूनिट वैल्यू, सॉरी, नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ पे आ गई 8 यूनिट वैल्यू प्रिंसिपल से। हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना था यहाँ पे। अरे मैंने, मुझे लग रहा है कुछ मैं गलत उठा रहा था, मैं ये गलत उठा रहा था, 2/25 फील आ रही थी मेरे को, मैं कुछ गलत उठा रहा हूँ बार बार। 2/25 होती है फ्रैक्शन, जल्दबाजी में की गई अक्सर ये गलती। यहाँ 25/2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी आपने 625 से काटा, 8 बार कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी ₹32। तो CI माइनस SI आ जाएगा सीधा सीधा ₹32। देखो कितना सरल सा सीधा सा सवाल है, कुछ कॉम्प्लिकेशन ही नहीं करनी है हमने। सुनो सुनो, दोबारा सुनो, अभी आपको मैंने 2 सालों का केस करके दिखाया, ठीक है। उस हिसाब से रेट कितना है? 8% है, 8% है। 2 सालों में तो आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो भी इजी है, बट इसमें ना ज्यादा जल्दी हो जाता है, ठीक है, कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी हो जाता है। 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25। 2/25 अगर 1/a के बराबर है तो a की वैल्यू दिमाग में ही हो गई 25/2। तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? 25/2 का स्क्वायर, यानी कि 625/4 यूनिट्स। और ci माइनस si क्या आ जाएगा? 1 यूनिट। 625/4 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? ₹5000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 से काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ₹32। तो यही आ गया हमारा ci माइनस si, ₹32।
बस इतना ही करना था, ठीक है। 3 सालों का अगर आप देखो, आपको मैं अभी एक दूसरा अभी एक फाइल देता हूँ, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आप बढ़िया मजे से सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं आपको एक सवाल खुद से दे रहा हूँ, ऊपर देखो मैं चेंजेस कर रहा हूँ सवाल में, आपने मेरे को उसी हिसाब से आंसर बताना है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपसे 3 सालों की, 3 ईयर्स की, ठीक है। इसको मैंने चेंज करके कर दिया 9.09%। ध्यान से सुनते जाना, बिल्कुल ध्यान से। और प्रिंसिपल आपका हमने कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। तो आपने मेरे को बताना है CI माइनस SI कितना होगा। प्रिंसिपल है 29282, 3 सालों का जिक्र है, रेट है 9.09%। देखते हैं कितने बच्चे मुझे इसका जवाब देके दिखाएंगे, जल्दी से बता दीजिए बस। हाँ जी, किस किस का आंसर आ गया? कई बच्चे सिर्फ 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं, जहां तक मेरे को पता लग रहा है। बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जाती है 2 सालों के केस में। 2 सालों का केस होता है तब 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, जब 3 सालों का केस होता है तो 3a+1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। बच्चों देखो, हमारा जो सवाल है उसके अंदर ROI क्या दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.09%, जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/11। अब इस 1/11 को अगर मैं 1/a से इक्वेट करूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 11 आ जाएगी। जिक्र यहाँ पे 3 सालों का है, जिक्र किसका है, 3 सालों का है, 3 सालों का जिक्र है, a की वैल्यू 11 है। तो प्रिंसिपल क्या एज्यूम करोगे आप, 11 की पावर 3 यानी कि 1331 यूनिट्स। और CI माइनस SI क्या है, 3a+1, 3 into a यानी कि 11+1 यानी कि कितना आ जाएगा, 34 यूनिट्स, ये आ जाएगी वैल्यू 1331 यूनिट्स की वैल्यू। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी बोली गई है, 29282। आप काटोगे सबसे पहले 2 बार कटा 2662, फिर आपको उसके बाद क्या मिलेगा, आई थिंक 3 बार नहीं, ठीक है, 22 टाइम्स कट रहा है, एक बार और कटेगा, 22 बार कटेगा ये, ठीक है, क्योंकि 2662 का 11 गुना लग रहा है ये, 2, 8, 12, 9, ठीक है, हाँ 22 बार कटेगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 22 रुपए आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ से आपने 1331 से 29282 को काटा, 22 बार कटा ये, तो आपने 22 गुना कर दिया यहाँ पे इसका। 34 का 2 टाइम्स आता है 68, और 68 का 11 टाइम्स करोगे तो 6, 8, 4, 1, 7, 748 आ जाएगी वैल्यू। बस यही तो सवाल था, और क्या था बताओ, यही तो सवाल था। अभी इसकी मैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी, निश्चिंत रहो, अभी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा जो इसका स्ट्रांग नहीं होगा। सर 22 कैसे आया, 1331 का डबल होता है 2662, 2662 का 11 गुना क्लियरली दिख रहा है ये, क्योंकि अगर आपको फास्ट ट्रैक मैथ्स पढ़ा हुआ है ना तो वहां बताया हुआ है 2+6 8 होता है, 6 और 6 12 होता है, फिर एक कैरी चला जाएगा, 2 और 6 8 हो रहा है, 9 आ जाएगा, क्लियर दिख रहा है कि ये 22 गुना हो रहा है, मतलब 2
2662 का 11 गुना, मतलब 1331 के डबल का 11 गुना, मतलब 2 का 11 गुना, यानी कि 22। लेट मी ऐड अ फाइल एंड फिर हम बिल्कुल बढ़िया इसको सॉल्व करेंगे, निश्चिंत रहो, बहुत मजा आएगा, एकदम बढ़िया वाला मजा आएगा, निश्चिंत रहो। पहले ये करेंगे फटाफट से, कहते कोई पैसा था उस पे सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो 23,040 आया 12.5% के हिसाब से, CISI का डिफरेंस बताओ 3 सालों के लिए। अब दो तीन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, अभी फ्लो बन जाएगा इस टाइप का। देखो सबसे पहली बात ना, इसने प्रिंसिपल डायरेक्ट नहीं दिया है, ये वही क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आपको दो तीन कराए हैं ना, ये है सेम टू सेम वही क्वेश्चन, बट इसमें इसने ना प्रिंसिपल डायरेक्ट नहीं दिया, तो फिर इनडायरेक्ट दिया तो हम इनडायरेक्ट निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कैसे उसने क्या बोला, कह रहे कुछ प्रिंसिपल है, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स इज दिस एट द रेट ऑफ दिस। बच्चों सिंपल इंटरेस्ट अगर एक साल में आता है 12.5%, तो 6 सालों में कितना आ जाएगा, 75%। ठीक है, 6 सालों में कितना आ जाएगा, 75%, जितना भी प्रिंसिपल है उसका 75%। ठीक है, 75% ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि 3/4 ऑफ द प्रिंसिपल, पर कितना आया, 230 40, इतना इंटरेस्ट आ गया।
तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई। तीन से आप काटोगे, 7 बार कटेगा, 6 बार कटेगा और 8 बार कटेगा, 7680। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 700 का आप देखो इसको इस तरीके से देखो, ये 7500 प्लस 180 है, 7500 का 4 गुना आता है 30,000 और 180 का 4 गुना आता है कितना, 720, 7200 सॉरी 7200। ठीक है, तो ये आ गया 37,200 रुपए। प्रिंसिपल क्या आ गया, 37,200 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। ठीक है, और रुको यार मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ की मैंने। अच्छा 180 का 4 गुना 720 ही तो आएगा, 720 आएगा यार, 30,720 रुपए आपने पास, 3,720 रुपीज। तो ये प्रिंसिपल आ गया, अपना प्रिंसिपल आ गया। बाकी सवाल, अब पहली लाइन का यूज ना खत्म हो गया, पहली लाइन का यूज खत्म हो गया। इसमें सिर्फ काम की चीज थी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 12.5% जो हमने उठा लिया। और प्रिंसिपल जो कि आपके पास क्या आ गया, 30,720 रुपए। अब वापस बैक टू द बेसिक्स, जो पढ़ा हुआ वैसे कर लो। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। तो 1/8 को 1/a से इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8, a की वैल्यू आ जाएगी 8, इतनी बात ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू 8 आ गई, देन उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे भैया, प्रिंसिपल जो है वो क्या आ जाएगा 8 का, क्या मानोगे प्रिंसिपल को, 3 साल है, 3 सालों का जिक्र है और a की वैल्यू 8 आई है तो a क्यूब 8 क्यूब आ गई वैल्यू, 512 आ गई वैल्यू। ठीक है, बढ़िया, 512 यूनिट आ गई वैल्यू जी, बहुत ही गजब का, बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद अगर आपको CI माइनस SI निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, CI माइनस SI क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3A+1, 3 × 8+1 यानी कि 25 यूनिट। सवाल यहाँ पे समाप्त हो गया। कैसे होएगा, देखो 512 यूनिट की वैल्यू हमको दी गई है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, वो 30,720 रुपए। तो आपको दिख रहा है कि इसका 6 बार कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 60, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 60, तो 25 यूनिट की वैल्यू आएगी 25 × 60 यानी कि 150 और 10, 1500 रुपए डिफरेंस आएगा, 1500 रुपीज डिफरेंस आएगा। नन ऑफ दीज विल बी योर आंसर, बताओ जनाब क्या कहते हो, किस किसने यही किया था, सच्ची सच्ची बताना। वैल्यू बाद में पुट करनी है, हाँ जी बाद में पुट करनी है, और किस किस को समझ में आ गया ये बता दो। On a certain sum of money, the simple interest for 6 years is 23040 at the rate of 12.5% per annum. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो 12.5% यानी कि 1/8, 1/8 के हिसाब से अगर आप इंटरेस्ट देखो तो कितना आ रहा है, 12.5% एक साल में आता है तो 6 सालों में कितना आ जाएगा, 12.5% का 6 गुना कर दो, ये आपका 75% आ जाएगा यानी कि 3/4, या फिर 1/8 होता 12.5%, 1/8 का 6 गुना कर दो, 6/8 यानी कि 3/4 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल का 3/4 23040 के बराबर है, तो प्रिंसिपल का 3/4 23040 के बराबर है, तो कैंसिल किया सॉल्व किया, पी की वैल्यू 30720 आ गई, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 30,720, बहुत बढ़िया। अब हमें पता है यार कि 12.5% था 1/8, 1/8 को 1/8 से इक्वेट किया, ए की वैल्यू आ गई 8, ए की वैल्यू आ गई 8, तो प्रिंसिपल क्या होगा, ए क्यूब यानी कि 8 क्यूब यानी कि 512 यूनिट। ठीक है, पी की वैल्यू आ गई 512 यूनिट, और उसके बाद क्या है, सीआई माइनस एसआई बताना है आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बताना है आपने, कितना आता है वो 3A+1, 3A+1 अभी आपको बताया डिराइव करके, ए की वैल्यू 8 आ गई तो 3A+1 यानी कि 3 × 8+1 यानी कि 25 यूनिट्स। अब 512 यूनिट की वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू तो हाँ है हमारे पास 30,720, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60, हमने सीआई माइनस एसआई बताना है तो 25 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 25 × 60 यानी कि 1500।
अभी और करके दिखाना है आपने सवाल, प्रिंसिपल रेट टाइम, प्रिंसिपल रेट टाइम, ये और करके दिखा दो, फिर अभी आपका यही कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चलो करो करो करो। तो ये आपका फर्स्ट केस है, पहले तो आंसर बता दो जो इसका आ गया। देखो 13.33% की फ्रैक्शन के ऊपर इशू आया होगा कुछ बच्चों को, ये 6.66% का डबल होता है, मतलब 1/15 का डबल, यानी कि 2/15 होता है। ठीक है, तो 2/15 को जब आप 1/a से इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 15/2। तो प्रिंसिपल क्या एज्यूम करोगे आप इस केस में, ये बात यहां पे 2 सालों की है, तो a का स्क्वायर यानी कि 15/2 का स्क्वायर यानी कि 225/4, यही एज्यूम करोगे। बिल्कुल। और सी आई माइनस एस आई क्या आएगा, सी आई माइनस एस आई आएगा एक यूनिट, सी आई माइनस एस आई आएगा एक यूनिट। ठीक है, सो 225/4 यूनिट कितना आ जाएगा, 13,500। 45 का इसका 6 गुना है, ये देख 0, 60 गुना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 240। कितनी आ जाएगी वैल्यू एक यूनिट की, 240, और हमें वही तो निकालनी है, एक यूनिट की वैल्यू 240, वही होगा सी आई माइनस एस आई। बहुत बढ़िया, पहला ये हो गया। दूसरे वाले के लिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, दूसरे वाले के लिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। दूसरे वाले के लिए जो प्रिंसिपल है वो है 62,500। और आरओआई जो है वो 8% है,
टाइम जो है वो 3 साल है। ये एक केस है, ये केस है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे 8%, 8% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 8%, 4% का डबल, तो 1/25 का डबल यानी कि 2/25। जब आप 2/25 को इक्वेट करते हो 1/a से, तो a की वैल्यू आ जाती है 25/2। जब बात होती है प्रिंसिपल की, तो हम प्रिंसिपल क्या अज्यूम करते हैं, प्रिंसिपल अज्यूम करते हैं a का क्यूब और CI माइनस SI क्या आता है, 3a+1। ए क्यूब क्या आएगा, 25 का क्यूब, 25 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 1,5,6,25, 2 का क्यूब आएगा 8 यूनिट्स। 3a+1 क्या आएगा, 3 × 25/2+1, 75/2+1 यानी कि 77/2 यूनिट्स। बस सिंपल। अब इसकी वैल्यू तो आपको दी हुई है 62,500, ये वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है यार। 4 बार कटेगा ये, 15,625, 62,500 4 बार कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 32। तो 77/2 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 77/2 × 32 यानी कि 16। अब यहाँ पे देखोगे 112 और 112 का 11 गुना, 1,2,3,2, 1,2,3,2, इनको मल्टीप्लाई करोगे 77 को 16 से, तो 1,2,3,2 आ जाएगी वैल्यू। तो इधर सी आई माइनस एस आई क्या आ गया, 1,2,3,2। तो पहला आंसर है 240, दूसरा है 1,2,3,2। द आंसर इज बी ऑप्शन, जो क्लास के लगभग 80% बच्चों ने कर लिया था। जिनको नहीं भी हुआ था, जिनसे समझ आ गया, जिनसे नहीं भी हुआ था, समझ में आ गया जनाब, बताओ बताओ बताओ। सर इसको ट्री मेथड क्यों बोलते हैं, सर सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी हो सकता है ये, हाँ हो जाएगा, बट इसमें सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस ही जो अब वाले कराए हैं ना मैंने, ये ट्री मेथड से ज्यादा जल्दी होते हैं। ट्री मेथड इसको किस लिए कहते हैं, थोड़ा ट्री जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है इसका, और क्या, इसलिए ऐसे ट्री जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन जाता इसका, तो ये ट्री जैसा स्ट्रक्चर, इसलिए ट्री मेथड, स्ट्रक्चर इसका रिप्रेजेंटेशन को ट्री मेथड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब इसके अलावा हम आ रहे हैं अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इसके एक छोटी सी चीज और देखनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों वाले केस में आपने, इधर कितना इंटरेस्ट आ रहा है, ए स्क्वायर, पहले साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ए स्क्वायर, दूसरे साल का इंटरेस्ट आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए, मतलब मैं ए कॉमन निकाल सकता हूँ, ए इंटू ए प्लस वन आ जाएगी वैल्यू। तीसरे साल का इंटरेस्ट बड़ा खास है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस ए प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस ए प्लस वन, मतलब मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2a+1। ये ए स्क्वायर प्लस 2a+1 पता है क्या होता है, ए प्लस वन का होल स्क्वायर होता है। तो पहले साल का ए स्क्वायर, दूसरे साल का ए इंटू ए प्लस वन और तीसरे साल का ए प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है जनाब, इतनी सी बात है, ए स्क्वायर ए इंटू ए प्लस वन, ए प्लस वन का होल स्क्वायर। तो कई बार आपको ना बीच बीच के इंटरेस्ट दे देंगे, वो ऐसे बोलेंगे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट तो आप उसको ए इंटू ए प्लस वन लो, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट तो आप उसको ए प्लस वन का होल स्क्वायर लो। तो ये भी लगाने में मजा आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, भूलना मत, मैं दूंगा फिर आपको याद नहीं रहेगा, फिर कोई फायदा नहीं है।
ये करके दिखाना। माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, अभी तो इंस्टॉलमेंट हमने पढ़ा ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ क्वार्टरली दिखा तो मैंने दे दिया सवाल, मुझे लगा क्वार्टरली का बेसिक सा सवाल होगा। नहीं, रुको रुको रुको, अभी तो हम करेंगे इंस्टॉलमेंट, फिर करना है वाले सवाल। ठीक है, तो अभी हम आते हैं थोड़े से हटके क्वेश्चंस पे, और मैं आपको दे रहा हूँ और वो आप सॉल्व करो। जैसे कि मान लो एक सवाल बड़ा ज्यादा फेमस है, पेपर में आता है काफी, ये वाला, हरीश और उनकी ये दो बेटियां हैं, उस हिसाब से उन्होंने उनके अकाउंट में पैसा डाला है। एक बार अब ये सॉल्व करके दिखाओ, तब मजा आएगा। समझो 23960 है, उसमें उसने अपनी दो बेटियों के जो खाते में जमा करवाया, अनन्या और गौरी के खाते में कुछ अलग अलग पैसा जमा कराया। मान लेते हैं अनन्या के खाते में इतना पैसा जमा हुआ और गौरी के खाते में इतना पैसा, ए एंड जी, इतना इतना जमा कराया। उनको बराबर पैसा मिलेगा इसको 5 साल के बाद, इसका 5 साल बाद का अमाउंट, इसका 8 साल बाद का अमाउंट जो होगा बराबर होगा।
जब वो 16.66% मतलब 1/6 से कंपाउंडेड एनुअली होगा और 5 साल बाद का अमाउंट और 8 साल बाद का अमाउंट बराबर होना चाहिए इनका, उस हिसाब से इनके खाते में पैसा डाला गया। ठीक है, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, अगर पहले साल पैसा 1/6 से बढ़ गया तो कितना हो गया? 1+1/6, 7/6 टाइम्स हो गया होगा। दूसरे साल फिर 7/6 टाइम्स हो गया होगा। तीसरे साल फिर 7/6 टाइम्स हो गया होगा। चौथे साल फिर 7/6 टाइम्स हो गया होगा। और पांचवें साल फिर 7/6 टाइम्स हो गया होगा। मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करूं तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि भैया अनन्या के खाते में जितना पैसा डाला होगा वो 7/6 की पावर 5 हो गया होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? सिमिलरली गौरी के खाते में पैसा हर साल 1/6 से बड़ा होगा, हर साल 1/6 से बड़ा होगा, मतलब 7/6 होता गया होगा कितने सालों तक? 8 सालों तक। ठीक है, तो अनन्या को इतना पैसा मिला होगा, गौरी को इतना पैसा मिला होगा, तो ये दोनों होने चाहिए बिल्कुल बराबर। बढ़िया जी, बढ़िया। अब आपके सामने इधर पावर 5 है, इधर पावर 8 है, 8 में से 5 चला जाएगा, 3 रह जाएगा। तो ए बाय जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बाय जी की वैल्यू 7 का क्यूब 343, 6 का क्यूब 216। तो ए के खाते में जो पैसा डाला और जी के खाते में जो पैसा डाला उसकी रेशियो है 343 यूनिट्स एंड 216 यूनिट्स। तो 343 + 216 559 यूनिट्स हो जाएगा, 559 यूनिट्स हो जाएगा। पर टोटल पैसा कितना है? 2,396,0 इतना है। ठीक है जी, इतना है। 4 बार कटेगा ये, 40 बार कटेगा। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 40। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 40, नहीं आएगी यार 560, 600 है। कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ गड़बड़। 5, 6 आएगा ये? नहीं नहीं ठीक है, 559 ही आएगा। आपकी वैल्यू नहीं कटी ना ये वाली? तो पूरी पूरी नहीं कट रही है, क्या करें क्या करें क्या करें? रुको रुको रुको, कुछ तो होगा इसके अंदर जो नहीं दिख रहा है। मुझे गड़बड़ लग रही है, सच्ची बताऊं तो मुझे गड़बड़ लग रही है आइडियली, क्योंकि हाँ गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। ये नहीं, मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया 40 के हिसाब से, इन्होंने आंसर वही निकाला हुआ है, 343 का 40 गुना जो होता है आंसर, इन्होंने 13720 ही निकाला होगा, पक्की बात है ये वाला। और ये 343 का 40 गुना ही होता है, तो मतलब यहाँ पे ना इनकी ये गलती रह गई, इन्होंने प्रिंसिपल गलत लिख दिया। कई बार हो जाता है, प्रिंसिपल कर दो आप 22360, 22360 कर दो आप इसको, यही होता है ना 559, 22360, 560 का 4 गुना 40 माइनस 2240 और ये हो गया 22360, 22360 इसको 22360 कर दो बच्चों। ये ना थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गया इधर, छोटा सा 22360 टाइपो एरर आ गया है। तो इधर आप देखोगे ना प्रिंसिपल की वैल्यू है 22360 रुपीस, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो 40 रुपए आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपए, तो अनन्या का डिपॉजिट बताना है आपने, तो अनन्या का डिपॉजिट 343 का 40 गुना करोगे तो 13,720 रुपए आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सी चीज, कोई बड़ी बात नहीं। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा मैं, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। ठीक है, तो इसको ठीक कर लो आप, 22360 कितना करोगे? 22360 ठीक है, ये आ जाएगा। तो मान लो अनन्या के खाते में डाला इतना पैसा, अनन्या के खाते में जो पैसा डाला है, एक सिंपल सी बात है, सक्सेसिवली वैल्यू बढ़ेगी। जब आपको मैंने सक्सेसिव बेसिक से पढ़ाया था
तो मैंने आपको सक्सेसिव इंक्रीज के दो तरीके बताए थे। अगर 16.66% से वैल्यू बढ़ रही है तो हर साल 5 से 6, 5 से 6, 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7 हो रही है, वो तो तरीका था ही। इसके अलावा एक तरीका और भी था कि अगर पैसा 1/6 से बढ़ जाएगा तो पहले साल के बाद वो 1+1/6 यानी कि जितना भी डिपॉजिट किया होगा उसका 7/6 टाइम्स हो जाएगा। उससे अगले साल फिर वो फाइनल डिपॉजिट का 8 × 7/6 का दोबारा से 7/6 टाइम्स हो जाएगा, वो फिर से 7/6 टाइम्स हो जाएगा, वो फिर से 7/6 टाइम्स हो जाएगा, और वो फिर से 5 सालों में ऐसा हो जाएगा। मतलब जितना भी अनन्या का डिपॉजिट होगा उसका 7/6 raised to the power 5 इतने गुना हो जाएगा वो। सिमिलरली गौरी के केस में 8 सालों के लिए पैसा रखा गया तो वो 7/6 का 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये अमाउंट है पहले केस में, ये अमाउंट है दूसरे केस में, इनको कर दो बराबर, इनको कर दो बराबर दोनों को, क्योंकि बराबर पैसा मिलेगा। उन्होंने बोला है कि भाई 5 साल के बाद 8 साल के बाद दोनों को इन सच अ वे बोथ विल गेट द इक्वल मनी, ठीक है। तो इससे काट दिया, 3 बार कट गया, तो ए बाय जी की वैल्यू क्या आ गई, 7 का क्यूब 6 का क्यूब, तो ए और जी की रेशियो क्या आ जाएगी, 343 to 216 तो टोटल कितना आ गया, 559 units 559 units की वैल्यू आ गई 22360, यही तो टोटल पैसा था। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40, तो 343 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 343 × 40 यानी कि 13720 रुपए। सी ऑप्शन इज द आंसर। तो ये इस तरीके से किया जाना है, बहुत ही प्यारा सवाल अपने आप में। जैसे करना ये वाला सवाल बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल ये। ये और कर लो फिर अगले टाइप पे मूव करते हैं। ठीक है, अक्षय डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम इन 3 different fixed deposits, 3 अलग-अलग fixed deposits हैं, ये rates हैं उनके, 5 साल 7.5 साल 10 साल के लिए उसने डिपॉजिट किया,
एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड उसको अमाउंट मिला 593 की रेशियो में, तो आपने बताना है आपका जो मनी पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो एक्स वाई जेड किस रेशियो में। देखो यार सिंपल सी बात, अमाउंट आपके पास है, क्या है अमाउंट आपके पास है। अब पहले ये देखो, एक साल में 12% इंटरेस्ट आता है तो पांच साल में कितना आ जाएगा, 60% इंटरेस्ट। एक साल में 16% आता है तो सात साल में कितना आएगा, 120% इंटरेस्ट। 16 का 7.5 गुना कर दिया। एक साल में 8% आता है, 10 साल में कितना आएगा, 80%। बच्चों ये तो इंटरेस्ट है। अगर मैं पूछूं अमाउंट कितना मिलेगा आपको, तो आपको प्रिंसिपल का 100% प्लस 60%, 160% अमाउंट मिलेगा। इधर देखोगे प्रिंसिपल का 120% प्लस 100%, 220% अमाउंट मिलेगा। प्रिंसिपल का 100% प्लस 80%, 180% अमाउंट मिलेगा। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों देखो, प्रिंसिपल का मान लो ये 160% की मैं बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल का 160% करोगे तो आपको अमाउंट पता लग जाएगा कितना है। तो अमाउंट को अगर आप इस 160% से डिवाइड कर दोगे तो आपको प्रिंसिपल पता लग जाएगा कितना है। तो ये इधर देखोगे 593 अमाउंट की रेशियो है, ठीक है, ये सारे उस मल्टीप्लिकेटिव की रेशियो है जिससे मल्टीप्लाई करना है आपने। तो अगर मैं अमाउंट की रेशियो 593 को इसकी रेशियो से डिवाइड कर दूं तो मुझे प्रिंसिपल की रेशियो पता लग जाएगी, लग तो जानी चाहिए। सबसे पहले इसकी रेशियो क्या है, जीरो से जीरो कट जाएगा, और उसके बाद दो से काटोगे 8, दो से काटोगे 11, दो से काटोगे 9, ये रेशियो आ गई 8, 11, 9 की। बहुत बढ़िया यार, बहुत सही। अमाउंट की रेशियो है 593 और अमाउंट की रेशियो है 593 और ये जो है किस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है उसकी रेशियो है 8, 11, 9, डिवाइड कर दो, यू विल गेट 5/8 इज टू 9/11 इज टू 3/9 यानी कि 1/3। डिनोमिनेटर्स क्या है, 3 × 8 × 11, ठीक है, तो इसी 3 × 8 × 11 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो कटेगा काट देना। क्योंकि इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से 8 कट गया, क्या बचा, 3 × 5 = 15 × 11 = 165, 11 से 11 कट गया, 3 × 8 = 24, 24 × 9 = 216, 3 से 3 कट गया, 11 × 8 = 88। तो ये रेशियो आ गई 165, 216 और 88। क्या कुछ और कट रहा है, मेरे हिसाब से तो यही आंसर आना चाहिए, क्या यही है आपका भी, सर कंपाउंड नहीं होगा, नहीं उसने कहीं मेंशन ही नहीं किया कि कौन सा सिंपल है या कंपाउंड है, तो हम इस केस में सीधा सीधा कंपाउंड ही लेते हैं। रुको जरा रुको, 60 × 180 = 8, 15 × 8 = 120 होता है ना, 7.5 × 16 = 120 ही होता है ना, 120, 60, 120 और 80 अमाउंट, परफेक्ट आंसर है, नन ऑफ दिस इज द आंसर। मुझे पता है इसमें क्या ट्रैप फंसाया गया था, अब पता चला वो ट्रैप मैं देख रहा था। अगर आप नोटिस करो ना, अगर आप नोटिस करो तो 60, हाँ ठीक है, 60, 120 और 80 की रेशियो जो है ना, आप देखोगे ध्यान से तो 60, 120, 80 की रेशियो जो है वो 364 आएगी। और अगर आप 5 × 3 को 364 से डिवाइड कर देते हो ना अगर, तो आपको मिलेगा 5/3, 3/2,
3/4 और तीन दो चार का एलसीएम मतलब 12, 12 से गुना कर दोगे ना तो आपको मिलेगी रेशियो 20:18:9 की, ठीक है। ये ट्रैप था, बच्चे इंटरेस्ट की रेशियो से डिवाइड कर देंगे इसको, इंटरेस्ट की रेशियो से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि उसने आपको जो दिया है वो अमाउंट बोला है, दिस इज द रेशियो ऑफ अमाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, जब आप 60% की जगह 160% से मल्टीप्लाई करोगे, प्रिंसिपल का 60% निकालोगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, और प्रिंसिपल का 160% निकालोगे तब अमाउंट मिलेगा, प्रिंसिपल का 120% निकालोगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, प्रिंसिपल का 220% निकालोगे तो अमाउंट मिलेगा, प्रिंसिपल का 80% निकालोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल का 180% निकालोगे तो अमाउंट मिल जाएगा। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी प्रिंसिपल था उसका 160% निकाला, जो भी प्रिंसिपल था उसका 220% निकाला, जो भी प्रिंसिपल था उसका 180% निकाला, ऐसा करने पे आपको अमाउंट मिल जाएगा ना। तो ये रेशियो किसकी है, ये अमाउंट की रेशियो है, 593 की रेशियो है। तो बच्चों अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो P1 की वैल्यू निकालने के लिए 5 को 160 से डिवाइड ही करोगे, 9 को 220 से डिवाइड ही करोगे, 180 से 3 को डिवाइड ही करोगे। तो मैंने वही तो किया है, 160, 220, 180 का रेशियो है 8:11:9, 5, 9, 3 को 8:11:9 से डिवाइड तो किया है, ये रेशियो आएगी। दिस इज द एक्चुअल आंसर, द आंसर इज नन ऑफ दीस। बेहतरीन सवाल है ये। कंपाउंड तब तक नहीं होता जब तक लिखा नहीं होता, लिखा नहीं हुआ तो सिंपल है। बताओ जनाब बताओ, सर उन्होंने फिक्स डिपॉजिट बोला है तो सीआई नहीं लेंगे, ये कोई आप अपनी तरफ से नहीं मान सकते कि फिक्स डिपॉजिट बोला है तो सीआई ही लोगे, नहीं जरूरी थोड़ी है। अगर उसने मेंशन नहीं किया है तो आप सिंपल इंटरेस्ट लोगे, और तुमको क्या लगता है 10-10 साल का सीआई लगा पाओगे तुम, 10-10 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे तुम, वो क्यों देगा 10 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, इलॉजिकल थोड़ी देगा वो सवालों को बच्चों, इलॉजिकल नहीं देगा वो सवालों को। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, आपको कई बार सिखाया गया ये चीज, रेशियो चैप्टर पढ़ा हुआ है यहाँ पे बच्चे जो हैं, ऑब्वियसली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब ए और बी को मल्टीप्लाई करने से सी मिल जाता है, तो ए वन और बी ए की रेशियो को बी की रेशियो से मल्टीप्लाई करने पर सी की रेशियो भी मिल जाती है, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि टाइम जो होगा वो डिस्टेंस ओवर स्पीड के बराबर है, डिस्टेंस ओवर स्पीड के बराबर है। तो अगर टाइम डिस्टेंस ओवर स्पीड के बराबर है तो बच्चों डिस्टेंस की रेशियो को टाइम की, डिस्टेंस की रेशियो को स्पीड की रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो टाइम की रेशियो आती है कि नहीं आती है, पहले तो मेरे को इस बात का जवाब दे दो तुम, ये पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ, सिर्फ नए बच्चों को नहीं पता होगा और नए बच्चे यहाँ पे हैं तो समझ भी नहीं आ रहा होगा। वैसे भी डिस्टेंस की रेशियो को स्पीड की रेशियो से डिवाइड करते हैं तो टाइम की रेशियो आती है। तो बच्चों मान लो आर परसेंट का इंटरेस्ट आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको प्रिंसिपल का 100+ R% आपको प्रिंसिपल का 100+ R% ही तो मिलेगा। जैसे कि मान लो 60% इंटरेस्ट आ रहा है तो अमाउंट क्या आएगा, 100+ 60% यानी कि 160%, 120% इंटरेस्ट आ रहा है तो अमाउंट क्या आएगा, 100+ 120%। अगर 80% इंटरेस्ट आ रहा है तो अमाउंट क्या आएगा, 100+ 80%। वैसे ही अगर R% इंटरेस्ट आ रहा है तो अमाउंट क्या आएगा, P × 100+ R%। तो P की वैल्यू क्या आएगी, अमाउंट बाय 100+ R%। तो बच्चों मैं वही कहना चाह रहा हूं, अगर अमाउंट को 100+ R% से डिवाइड करने पर आपको प्रिंसिपल मिल जाता है तो अमाउंट की रेशियो को 100+ R% की रेशियो से डिवाइड करने पे प्रिंसिपल की रेशियो भी मिल जाएगी। अमाउंट की रेशियो दी हुई है 593, 100+ R% की रेशियो 160, 220, 180 की रेशियो है 8:11:9, 8:11:9। तो मैंने वही किया, 5, 9, 11 को अमाउंट की रेशियो को 100+ R% की रेशियो से 8:11:9 की रेशियो से डिवाइड कर दिया। उसके बाद रेशियो के चैप्टर में सिखाया गया कि इसको
आपने इंटीग्रल रेशियो कैसे बनानी होती है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर का एलसीएम कुछ कॉमन ही नहीं है, 8 11 3 का प्रोडक्ट ही आएगा एलसीएम, तो 8 11 3 का प्रोडक्ट ही आएगा एलसीएम, तो 8 11 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कटा बाकी जो बचा आंसर ये रहा 165 216 88 इज योर आंसर। ठीक है, तो नन ऑफ दीज होगा, समझे? कल वाली क्लासेस, पहले वाली क्लासेस जरूर पढ़ी हुई होनी चाहिए, उसके बिना समझ नहीं आएंगी ये चीजें। ये करना जरा, एक ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ समय पहले अगर आपको याद हो तो। देखो सबसे पहली बात, 12 यहाँ पे पूरे साल का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, तो हाफ ईयरली अगर आप कंपाउंड कर रहे हो, आधे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 12.5%। एक साल में अगर दो बार कंपाउंडेशन होगी तो डेढ़ साल में कितनी बार होगी? 3 बार कंपाउंडेशन होगी। तो आपके पास जो भी आपका प्रिंसिपल है, आप उसको 12.5% से बढ़ाओगे पहले 6 महीनों में, फिर 12.5% से बढ़ाओगे अगले 6 महीनों में, फिर 12.5% से बढ़ाओगे अगले 6 महीनों में, फिर इससे जो भी अमाउंट मिलेगा, आपको एक अमाउंट मिला, उस अमाउंट को आपने सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया स्कीम बी के अंदर। अब यहां पे सक्सेसिव नहीं लगेगा, बट हम ये तो कह सकते हैं ना कि 15% के हिसाब से 3 सालों में कुल मिला के 45% इंटरेस्ट आ जाएगा, तो आपका जो भी अमाउंट होगा वो 3 सालों के बाद 45% बढ़ जाएगा, और इससे आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी जो भी अमाउंट होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारा पैसा 1/8 से बढ़ा, तो 8 से 9 हो गया,
फिर पैसा 1/8 से बढ़ा, 8 से 9 हो गया। फिर पैसा 1/8 से बढ़ा, 8 से 9 हो गया। फिर पैसा 45% से बढ़ा, मतलब 9/20 से बढ़ा, तो 20 से 9 बढ़ के 29 हो गया। कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। तो 512 का डबल क्या होता है, 1024, और एक शून्य लग जाएगा पीछे। 729 का मुझे 29 गुना करना है। 29 क्या होता है, 30 - 1, ठीक है, 30 - 1 होता है। और 30 - 1 के हिसाब से देखोगे आपने, यहाँ पे 700 का 3 गुना किया आपको मिला 2100, आपने 20 का 3 गुना किया आपको मिला 60, ठीक है, और इसी के साथ ही आपने 9 का 3 गुना किया तो 27 आ गया। तो 21870 - 729, तो आपने सबट्रैक किया तो 211 और उसी के साथ 41, 211 41 बन जाएगी वैल्यू। ये रेशियो आपके पास आ जाने वाली है, ठीक है, ये रेशियो आ जाएगी 211 41। अब इसी के साथ हमने आगे बढ़ना, इसी के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10240 है आपके पास, 21141 है आपके पास। आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी, 1792। कितनी वैल्यू थी प्रिंसिपल की, 1792, पर प्रिंसिपल यहाँ पे आया 10240। 10240 यूनिट की वैल्यू आ गई 1792, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1792/10240, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है, आप समझें इसको ढंग से। अब ये इसको काटना महाभारत है पूरी की पूरी, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करना बड़ा मुश्किल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई ना आपके पास, आपने निकालनी है 21141 यूनिट की वैल्यू। वैसे 21141 की निकालनी, अमाउंट आ जाएगा उससे, तो आपने निकालनी है बेसिकली इनका डिफरेंस। तो 21,000 में से 10,000 गया, बच गया 11,000। 141 में से 240 गया, कितना बच गया, 141, 141 में से 241 जाता 100 बच जाता, बट ये 240 गया है बस, तो ये 101 यहाँ पे आपके पास माइनस का आएगा, ठीक है, सॉरी 99 माइनस का आएगा, तो 11901 की वैल्यू बतानी है आपने, 10901 की वैल्यू आपने बतानी है। दस हजार नौ सौ एक की वैल्यू आपने बतानी है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आ रहा है वैसे तो ये। टोटल अमाउंट रिसीव्ड, अरे अरे मुझे लगा इंटरेस्ट बताना है, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। तो 21141 की वैल्यू भी बतानी है आपने, एक छोटा सा अंदाजा कि भाई ये इसका लगभग डबल है, तो 1792 का डबल यानी कि 3600 3500 3600 के आसपास आंसर आएगा। तो मैं इसको सॉल्व करने की बजाय सीधा ये मार्क कर दूंगा, ठीक है, ये सीधा मार्क कर देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने का तो कोई हिसाब नहीं है, ठीक है, कुछ कट ही नहीं रहा आपस में, तो इतना कुछ तो करेंगे नहीं इसके अंदर, ठीक है। लगभग अंदाजन हम देख पा रहे हैं कि इसके डबल से थोड़ा सा ज्यादा है ये, तो भाई हमारा आंसर भी थोड़ा सा डबल से ज्यादा ही आ जाएगा, ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे लगभग 3700 के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतने गंदे नंबर नहीं आते हैं। एक बच्चा कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली समझ नहीं आया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कल पढ़ाया मेरे भाई, देखो सर हाफ ऑफ करके कर लेंगे, लेंदी काफी हो जाएगा मेरे भाई, कर तो लेंगे आपकी बात, ठीक है, मना नहीं कर रहा मैं, दो दो से काट दोगे, चार चार से काट दोगे, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, काटो, बट घूम फिर के बात ही आती है कि नहीं कटेगा पूरा पूरा, और इतना बड़ा नंबर पड़ा अभी आगे, तो मुझे एक चीज का दिखाई देना है 10240 से डबल के आसपास है। पहली बात तो इतने गंदे नंबर आपके मेंस में भी नहीं आते हैं, आए भी तो वो ऑप्शंस काफी दूर दूर देते हैं और नन ऑफ दीज नहीं देते हैं, ठीक है, इस केस में ये होता है जब मेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो उस हिसाब से बाकी सब नंबर्स काफी दूर दूर है, यही है आसपास, तो उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें लगभग लगभग कहाँ तक चला जाएगा नंबर, ठीक है। ये 2 पॉइंट समथिंग है, और जब 2 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, तो आपको 3699.675 यही आसपास आपको लेके जाएगा, बस यही ओवरऑल खेल था पूरे सवाल का, नंबर्स थोड़े अजीब थे, बस ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर। ये और करो, अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है ये भी काफी।
समझो ध्यान से देखो, हुआ क्या है, जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो पहले 4 सालों में तो 15% 15% 15% हर साल सेम 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 सेम, तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि जितना भी प्रिंसिपल होगा वो पहले 4 सालों में 60% बढ़ गया होगा। तो पहले 4 सालों में 60% का इंक्रीज आ गया, फिर उसके बाद जो भी अमाउंट बना होगा उस पे अगले साल 20% इंटरेस्ट आया होगा सक्सेसिवली, क्योंकि कंपाउंड शुरू हो गया अब, फिर 20%, फिर सॉरी फिर से 20%, इस तरीके से इंटरेस्ट आया होगा। इससे आपको फाइनल अमाउंट पता लग गया होगा कितना लगाते हैं। 60% मतलब 3/5 से पैसा बढ़ेगा, तो 5 पे 3 बढ़ के 8 हो जाएगा, 1/5 से पैसा बढ़ेगा, 5 पे 1 बढ़ के 6 हो जाएगा, फिर 1/5 से पैसा बढ़ेगा, 5 पे 1 बढ़ के 6 हो जाएगा, फिर 1/5 से पैसा बढ़ेगा, 5 पे 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कि 216 का क्यूब और उसका 8 गुना, 216 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 1728, इतना हो जाएगा। तो आपके सामने आपका प्रिंसिपल आया है 625 यूनिट, आपका जो अमाउंट आया है वो आया 1728, तो इंटरेस्ट कितना आ गया होगा, 1728 के हिसाब से देखोगे तो 1103 रुपए का इंटरेस्ट आ गया होगा। 1728 में से 625 घटा दिया, 1103 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, ये आपके सामने। अब 1103 है यार, अब मैं पूछूं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच में कितना डिफरेंस है, 1103 और 625 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इनके बीच का डिफरेंस 478 है। पर मैंने डिफरेंस क्यों निकाला, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, वो बोल रहा है प्रिंसिपल एक्स है और जो इंटरेस्ट आया वो एक्स प्लस 5412 है। तो बेसिकली आप इंटरेस्ट में से जब प्रिंसिपल घटा दोगे तो आपको 5412 मिलेगा, कितना मिलेगा 5412, पर एक्चुअल में कितना आया 478। तो इधर से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो और उसी हिसाब से आपने अप्लाई कर देना। तो यही सब चीजें हैं, 478 यूनिट्स इज इक्वल टू 5412, ठीक है। इससे आपको प्रिंसिपल यानी कि एक्स की वैल्यू यानी कि 625 यूनिट्स की वैल्यू मिल जाएगी। और इस हिसाब से मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आज सवालों में कुछ गड़बड़ है, टोटल पिछले सवाल में भी ऐसे अजीब सा था, क्यों एग्जाम लेवल क्वेश्चन सेटअप नहीं किए हुए क्या, कुछ अजीब किया हुआ ऐसा लग रहा है, जैसे अब नंबर्स कटने बंद हो गए हैं। नंबर्स कटते तो हैं पूरे पूरे, आपके पेपर में जो आता है उसमें नंबर्स पूरी तरह से कैंसिल तो होते ही हैं। मुझे इनकी रो फाइल्स मिले ना कहीं पे तब जाके बने बात है क्या ये 4560, इन ऑप्शंस में भी कहीं 625 का कोई हिसाब नहीं मिल रहा।
गड़बड़ी है सब, मुझे लग रहा है कुछ टाइपिंग एरर्स हैं इसके अंदर सारे के सारे। या फिर यहाँ पे ना इन्होंने या तो क्लियरली मेंशन नहीं किया ये चीज। पता है क्या, एक एक और एस्पेक्ट में हम सोच सकते हैं, श्याम ने एक्स रुपीज डाले जिसमें 15% इंटरेस्ट आता था 4 सालों के लिए, एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। पर हम जिसको जिस हिसाब से देख रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि जो अमाउंट मिला हमें प्रिंसिपल से 60% के हिसाब से हमें अमाउंट मिला, वहां से इंटरेस्ट ही आया। क्या पता ये यहाँ से दोबारा से इन्वेस्टमेंट की हो एक्स रुपीज की 60% इंटरेस्ट पर। वो इलॉजिकल है वो बात, इलॉजिकल है वो बात, क्योंकि वैसे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा इसके अंदर, 3 बार में आ जाएगा 72.8% इंटरेस्ट, और ये 60% आ गया, 132.8% इंटरेस्ट, 132.8 और 100% का डिफरेंस 32.8%। 32.8% को अगर मैं 5412 से इक्वेट करूं तो ये होता है 14, 150, 164, 82, 41, 41 का 8 गुना, और ये 5412 41 से कटेगा क्या? 41 का 1 गुना जाएगा, 3 गुना जाएगा, तो 41 से कट रहा है। देखो ये वही गलती की हुई है इन्होंने, इसमें 41 का 132 गुना जा रहा है, ये 41 का 8 गुना जा रहा है, 0.8% की वैल्यू, 4/5 की वैल्यू, 4 से काटा क्रॉस मल्टीप्लाई 100% की वैल्यू आएगी यहाँ से। पर ये लॉजिकली इनकरेक्ट है ये बात, ठीक है? इन्होंने पता क्या किया, मैं बताता हूँ। देखो पहले साल तो, देखो पहले 4 साल तो प्रिंसिपल पे 15-15-15% 60% इंटरेस्ट दिया, उसके बाद फिर यहां से जब शुरू हुआ ना कंपाउंड, तब भी इन्होंने प्रिंसिपल पे दोबारा शुरू किया, शुरू से किया प्रिंसिपल पे, शुरू से किया, फिर 20% 20% 20% के हिसाब से 3 सालों में नेट 72.8% लिया, प्रिंसिपल पे लिया, जो कि इलॉजिकल है, अमाउंट पे लेना चाहिए था, ठीक है? प्रिंसिपल पे लेंगी ना तो आंसर आ जाएगा इसका, बट वो गलत है, इलॉजिकल है, ठीक है? बट कोई बात नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, काफी कुछ चीजें इसके अंदर हमने सीखी। आगे वाली चीजें अभी शुरू करेंगे हम इसके बाद, एक बार इंस्टॉलमेंट्स की हिंट दूंगा मैं आपको, इंस्टॉलमेंट्स कराऊंगा आपको अगली क्लास में, एक क्लास और लेनी पड़ेगी इसकी, ठीक है? एक छोटा सा ब्रेक है, पानी वानी भी ले लो, पी लो, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, फिर रिज्यूम करते हैं।
रिज्यूम करते हैं और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हैं। अच्छा, पहले तो एक बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हो, क्या इंस्टॉलमेंट्स को अगली क्लास में शुरू करें सीधा बेसिक से? ऐसे ना फिर हॉचपॉच हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, पूरा इंस्टॉलमेंट होगा नहीं। अभी इंस्टॉलमेंट को अगली क्लास में शुरू करेंगे, अभी बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ना थोड़ा बहुत बताऊंगा फिर वो चीज दिमाग में बैठेगी नहीं, रिवाइज भी नहीं हो पाएगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर बताओ। SICI 3 साल, SICI 2 साल, डिफरेंस ऑफ SICI 3 साल, डिफरेंस ऑफ SICI 2 साल, इनकी रेशियो है 19:6, ROI बताओ क्या होगा? बहुत अच्छा सा डिफरेंस है, हटके सा सवाल है। देखो एक गलती मत करना, CISI का डिफरेंस 1 यूनिट ले लेना, आपके बच्चे 1 यूनिट ले लेंगे ना CISI का डिफरेंस 2 सालों के लिए, 1 यूनिट। दूसरी तरफ CISI का डिफरेंस 3A+1, आप ऐसे अलग अलग ले रहे हो, अलग अलग ले रहे हो, दोनों में प्रिंसिपल्स अलग अलग नहीं है, एक में A² एक में A³, तो ऐसे अलग अलग मत लो। 3 सालों वाली कंडीशन से ही दोनों चीजें ले लो, जैसे ये अभी मैंने बना रखी है 3 साल वाली कंडीशन है ना। अगर इसमें मैं बात करूं सिर्फ 2 सालों के डिफरेंस की, तो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 2A², 2 सालों का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट 2A² + A, तो A² 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 कट गया, सिर्फ A रह गया। तो 2 सालों का जो SICI का डिफरेंस है वो सिर्फ A है, और 3 सालों का SICI का डिफरेंस तो हमें पता है कि वो 3A+1 होता है। तो 3 सालों का SICI का डिफरेंस है 3A+1, 2 सालों का SICI का डिफरेंस हो गया A, इनकी रेशियो आ गई 19:6। अब आप नॉर्मली इक्वेट करके देख लो, अगर मैं A को 6 यूनिट लूं तो ऊपर क्या आएगा, 3 6 18+1, तो मतलब A की वैल्यू 6 यूनिट ही है। तो रेट क्या होता है, 1/A, 1/6, 1/6 किसकी फ्रैक्शन है, 16.66% की, बताओ। ठीक है, अब अगर ऐसा ना होता तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लेते, तब भी यही आती, तो ए की वैल्यू 6 आ गई। ए की वैल्यू 6 आ गई तो रेट परसेंट होता है 1/6, 1/6 मतलब 16.66%, डी ऑप्शन।
ये ध्यान रखना है आपने, बस ये करके दिखाना। देखो बच्चों, सबसे पहले वो क्या कह रहा है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों का और 2 सालों का इनकी रेशियो आपको दे रहा है। जैसे भी क्वेश्चन आपको कराया था ना रिसेंट वाला, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, बट ये क्वेश्चन प्री में नहीं आएगा आपका कभी, ये क्वेश्चन मेंस में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी प्री में नहीं पूछेगा, वो मेंस में पूछेगा। पहले तो मैं देखना चाहूंगा किस किस का आंसर आ गया इस सवाल का। ठीक है, प्री में नहीं पूछेगा ये कोई भी क्वेश्चन, ये मेंस का सवाल है और इसके गिनती के अप्रोच है, बस लिमिटेड सा अप्रोच है इसका। बस आपको क्या समझाया मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों का, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का। भाई 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर देखूंगा तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इससे बढ़िया पता क्या करो, इससे बढ़िया पता क्या करो, 3 सालों के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट घटा दो, 3 ईयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट में से, देखो 3 ईयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट घटा दे तो सिर्फ 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट रह जाएगा। बात तो ठीक है, तो मैंने घटा दिया, 3 माइनस 2 कर दिया, 273 माइनस 152 कर दिया, कितना आया 121। और ये क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो क्या होता है, a+1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, बढ़िया। 2 साल का अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे तो वो कितना है, 152। इधर देखोगे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, a² + a² + a, यानी कि 2a² + a, 2a² + a, ये है। इसमें से भी आप a कॉमन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, बढ़िया। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पे, क्या करोगे, जो भी करोगे उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, भैया ऊपर जो है स्क्वायर करने पे देखो 121 आ रहा है, ऊपर मतलब इस ब्रैकेट में 11 चाहिए मेरे को, 11 कैसे आ सकता है, जब a की वैल्यू 10 आ जाए तो 11 आ सकता है। ऊपर a की वैल्यू 10 रखोगे 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, पर नीचे अगर 10 रखोगे ना तो 152 नहीं आएगा, मतलब कुछ और ही है, कुछ और ही गेम है, कुछ और ही गेम है। तो बनाओ फिर, 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/8, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, बोलो बोलो, 1/7, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/9। अगर मैं इसको 1/a से इक्वेट करूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/3। इसको अगर मैं a से 1/a से इक्वेट करूं तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी, इसको अगर 1/a से इक्वेट करूं तो a की वैल्यू 7 आ जाएगी, इसको 1/a से इक्वेट करूं तो a की वैल्यू 9 आ जाएगी। a की वैल्यू 9 पुट करोगे तब भी यहां पे 11 नहीं आ सकता, 9 + 1 = 10 होता है, 10 का स्क्वायर 121 कैसे लेके आओगे, ना 7 से होगा ना 6 से होगा, सिर्फ 8/3 से हो सकता है, क्योंकि a की जगह 8/3 रखोगे ना तो 8/3 + 1 करने पे पता है क्या आता है, 11/3 आता है, 11/3 आता है और 11 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है,
इसको आप नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये इतनी लेंदी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको नॉर्मली सॉल्व ही नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा ऑप्शन से अंदाजा लेना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि रैंडम पुट पुट कर करके चेक करो ना, आपको देखो ना आपको क्या बनाना है, 121 बनाना है, 121 बनाने के लिए ऊपर 11 चाहिए, 11 सिर्फ और सिर्फ 3/8, 8/3 से आ सकता है, क्योंकि 8/3 में 1 जोड़ोगे तो 11/3 आएगा, तो एक ही जगह रख दिया मैंने 8/3, 8/3 प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे कर दिया 2 into a square, यानी कि 2 into a का स्क्वायर कितना होता है, 8/3 का स्क्वायर कितना होगा, 64/9 प्लस a क्या होगा, 8/3, तो ऊपर बन गया 11/3 का स्क्वायर, यानी कि 121/9, नीचे क्या बन गया, 128/9 प्लस 8/3, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 9, और उसकी वजह से ये बन जाएगा 24/9, तो 9 कॉमन आके कट जाएगा, 121/152, सेम टू सेम आ गया, 121/152, तो यहाँ पे जो ROI इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो 37.5% है, बहुत ही सरल सीधा बहुत अच्छी क्वालिटी का सवाल। समझे? मैंने आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, कुछ सोच के बताया था, ये सोच के बताया था कि आप उसको याद रखोगे, आप उसको अप्लाई करोगे, ये सोच के बताया था, तो कई बच्चों ने किया भी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था ना कि ये ए स्क्वायर प्लस ए प्लस ए वन है, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2a+1, यानी कि ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए है, ये ए स्क्वायर है, तो तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, पहले दो सालों का कितना हो जाएगा, 2a² + a, ठीक है। अच्छा, तीन सालों का इंटरेस्ट, मतलब पहला साल प्लस दूसरा साल प्लस तीसरा साल, तीनों सालों का इंटरेस्ट जोड़ दोगे, दो सालों का इंटरेस्ट पहला साल और दूसरा साल, तो तीन सालों के इंटरेस्ट में से दो सालों का इंटरेस्ट घटा दोगे तो तीसरे साल का इंटरेस्ट बच जाएगा, तो 273 - 152, तीसरे साल का इंटरेस्ट आ गया 121, सही है यार। वैसे ही पहले दो सालों का इंटरेस्ट कितना है, 152 यहाँ लिख दिया। अब मुझे ना थोड़ा इससे हिंट मिल गया, 121 बनाना है, 121 11 का स्क्वायर होता है, इधर भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर पे लेके जाएंगे हम जानबूझ के, ताकि पता लगे परफेक्ट स्क्वायर किस चीज का बन सकता है, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस 1 का होल स्क्वायर 11 का स्क्वायर होता है 121, मुझे 11 लेके आना है इस ब्रैकेट में, कैसे लेके आऊंगा, एक तो 10 से 11 आएगा, और भी कई तरीके होते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन में देखोगे ना 3/8, 1/6, 1/7, 1/9, अब इन सबसे ना 7+1 करने से 11 आएगा, ना 9+1 करने से, ना 6+1 करने से, पर हाँ 8/3+1 करने से 11 आ जाएगा, क्योंकि 8/3+1 होता है 11/3, और 11/3 का स्क्वायर करूंगा तो 121/9 आएगा, 121 का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, तो मैंने वही फिर a की वैल्यू 8/3 पुट करके देखी, बात बन गई। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसका यही प्रोसेस है, यही प्रोसीजर है। कल आपकी 10 बजे क्लास होगी और हम इंस्टॉलमेंट्स पढ़ेंगे उसके अंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स के, और वो सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे। ये करना फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है आज का।
देखो जी, सबसे पहले हमने शुरुआत ना यहाँ से करनी है। जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है स्कीम जेड के अंदर, वो 70% है स्कीम एक्स का और 150% है स्कीम वाई का, ठीक है? तो जेड और एक्स के बीच में रेशियो है 70%। अगर 10 की इन्वेस्टमेंट यहाँ हुई है तो 7 की इन्वेस्टमेंट यहाँ हुई है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन जेड इज 70% ऑफ एक्स एंड 150%। 150% का मतलब होता है 3/2, 3/2 ऑफ वाई। तो अगर यहाँ पे 2 इन्वेस्ट हुआ तो 2 का 3/2 यानी कि 3 इन्वेस्ट जेड में हुआ। तो ये दो अलग अलग रेशियोज हैं हमारे पास। दोनों जगह जो जेड की वैल्यू है, इधर 3 है इधर 7 है, सेम कर लो। इधर हमने 3 गुना कर दिया, इधर 7 गुना कर दिया, सेम हो गए, 21 21 हो गई दोनों वैल्यू। ये 7 से गुना किया तो इसको भी 7 से कर दो, इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से कर दो। एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई, एक्स की आ गई 21, वाई की आ गई 14 और जेड की आ गई 21। एक्स की कितनी आई थी, सॉरी, एक्स की आ गई 30, वाई की आ गई 14, जेड की आ गई 21, ठीक बात? इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट हुआ है, बहुत बढ़िया। अब एक एक साल के लिए इन्वेस्ट हुआ है, एक साल के बाद जो इंटरेस्ट आया तीनों स्कीम से वो इतना आया। देखो 16.66% निकालना है पहले वाले का। इसका 1/6 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका 1/7 निकाल सकते हैं, 1/7 निकाल सकते हैं 14.28 का, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका 14 का, 21 का 10% डेसिमल में जाएगा। तो बढ़िया है कि आप इसको 0-0 से मल्टीप्लाई कर दो इस रेशियो को। तो 300 यूनिट यहाँ इन्वेस्ट हुआ, 140 यूनिट यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ और 210 यूनिट यहाँ इन्वेस्ट हुआ, ठीक है? तो यहाँ से कितना इंटरेस्ट आया, 1/6 यानी कि 50 का। यहाँ से कितना इंटरेस्ट आया, 1/7 यानी कि 20 का। यहाँ से कितना इंटरेस्ट आया, 10% यानी कि 21 का। तो इन सबको जोड़ दिया, हमें क्या मिल गया, इन सबको जोड़ दिया हमें मिल गया 520 and 21 यानी कि 91 यूनिट्स, ठीक है? 91 यूनिट्स हमें यहाँ पे मिला। और 91 यूनिट्स अगर हम देखेंगे तो 91 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 8645। एक बढ़िया चीज है इसके अंदर, अगर मैं सही सोच पा रहा हूं तो। हाँ, 93 का स्क्वायर होता है ना 8649, 93 का स्क्वायर होता है 8649, उससे 4 कम है ये। 93 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 93 स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 93 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 93 प्लस 2, 93 माइनस 2, मतलब 91 95 का प्रोडक्ट है ये। ये जो है 91 और 95 का प्रोडक्ट है, मतलब 95 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा इससे। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 95। हमने निकालना पैसा कितना निवेश हुआ एक्स के अंदर, तो 300 यूनिट की वैल्यू 300 गुना 95 आ जाएगी, तो 28500, ए ऑप्शन इज द आंसर। बताओ, तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा प्यार होने लगेगा नंबरों के साथ, और जब होने लगेगा तो फिर मजा तो बहुत आएगा। सर डिवाइड कैसे कर लेते हो, इस बार डिवाइड नहीं किया मैंने, इस बार मुझे दिख गया कि ये 93 के स्क्वायर 8649 से 4 कम है। अब अगर आप को जो मैंने एक कोर्स शुरू हुआ था तो एक काम बोला था फास्ट ट्रैक मैथ्स में कि हर संडे को हर चौथे पांचवें दिन वो स्क्वायर्स लिख लिया करो 1 से 100 तक। लिखते हो क्या अभी भी? लिखते होते तो दिख जाता 8649, मुझे दिख गया क्योंकि मैंने इतनी बार किया हुआ है। आप तो करते ही नहीं हो, मानते नहीं हो मेरी बात, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल था। रेशो दी गई थी पहले, रेशो मर्ज कर दी, रेशो मर्ज करने के बाद फिर क्या किया, रेशो मर्ज करने के बाद हमने इधर से 16.16 निकालना था 30 का निकल जाता, 1/7 निकालना था 14 का निकल जाता, पर 21 का 10% डेसिमल में जाता। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबको 10 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशो ही तो थी, कर देना था मल्टीप्लाई, कर दिया, तीनों वैल्यूज निकल गई, सम आ गया 91, इसके साथ सेटल किया, एक यूनिट की वैल्यू 95 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 95 आई। तो हमने बताना था 300 यूनिट की वैल्यू 300 गुना 95, 270 प्लस 15 285000 आ गया आंसर साथ। ठीक है जी, तो कल हम कुछ और अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में करेंगे इंस्टॉलमेंट्स भी, और बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से आगे लेके जाएंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। कल की क्लास अच्छी खासी होगी, आपकी बहुत काम की क्लास होगी, कल कोई मिस मत करना। इंस्टॉलमेंट्स का कॉन्सेप्ट और ऐसे ही सीआई की और प्रैक्टिस भी करेंगे।
ऐसे ही एक चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जो चार क्लासेस से कम में खत्म होता ही नहीं है, ठीक है, उसकी एक क्लास और करेंगे हम, ठीक है। बाय, गॉड ब्लेस यू।